पर जब हम किसी भी कार्य से बाहर जाते हैं और रास्ते में बिल्ली हमारे आगे से गुजर जाए तो हमारे मन में कई सारी चीजें आती हैं और हम वापस मुड़ जाते हैं। ऐसा मानना है कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ अपशगुन हो सकता है या कार्य में अड़चन आ सकती है। शायद आपको ये पता नहीं होगा कि बिल्ली के अलावा भी कई पशु पक्षी ऐसे हैं जो अगर हमें बाहर जाते समय दिख जाए या रास्ता काट दें तो बहुत अशुभ माना जाता है। इनके रास्ता काटने से कार्य में असफलता, शत्रु से नुकसान आदि होने की संभावना रहती है। अगर आप किसी शुभ कार्य से बाहर जा रहे हैं और सांप बाएं से दाईं ओर रास्ता काटता हुआ चला जाए तो ये शुभ संकेत नहीं है। रास्ते में सांप का रास्ता काटना बहुत अशुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं वो बिगड़ने वाला है। सांप को शत्रु का सूचक भी माना जाता है, इसलिए कहीं जाते समय सांप के दिखने से शत्रुओं का भय भी बना रहता है। गाय को बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में तो गाय को पूजनीय माना गया है, इसलिए अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं और गायों का झुंड अचानक आपका रास्ता रोक दे तो कुछ देर तक रुक जाना चाहिए, क्योंकि वह आने वाले संकटों से आपकी रक्षा करती है। लेकिन अगर जाते समय गाय के रंभाने की आवाज सुनाई दे तो यात्रा में कुछ कष्ट हो सकता है। सिर पर कौवे का बैठना वैसे भी अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर बाहर निकलते समय कौवा आपके सिर को छू कर निकल जाए तो ये अशुभ हो सकता है। कौवा का सिर से छू कर निकलना शारीरिक कष्ट होने का संकेत देता है। ऐसा मानना है कि ऐसे व्यक्ति को रोग के घेरने की आशंका रहती है, जिसके कारण व्यक्ति को मृत्यु के समान कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको दिन के समय या बाहर जाते समय नेवला दिख जाए तो ये शुभ नहीं माना जाता है। इससे विरोधियों से नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इसी तरह अगर कहीं जाते समय सुअर आपका रास्ता बाईं ओर से काटते हुए निकल जाए तो काम बिगड़ने की संभावना रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन सभी पशु पक्षियों का रास्ता काटना अशुभ माना गया है। अगर आप भी अगली बार कहीं जा रहे हो और कुछ ऐसा आपके साथ होता हो तो फौरन लौट जाएं। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई हुई ये तमाम जानकारियाँ आपके बेहद काम आएंगी। धर्म और अध्यात्म की दुनिया से जुड़े तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लाइफ सिटीज एस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।